डॉक्टर सिद्धरमा महास्वामी जी, डॉक्टर जया बसवा कुमार स्वामी जी, श्री बसवा लिंगा स्वामी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सिद्धरमैया जी, एमबी पाटिल जी, स्टेज पे सारे सीनियर स्वामी जी, भाइयों और बहनों, बसवना जी के फॉलोअर्स, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। बसवा जी की जयंती पे आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपने इस दिन मुझे यहाँ बुलाकर आदर दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और स्वामी जी ने जो भाषण किया और बीच में हिंदी का ट्रांसलेशन किया, उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आमतौर से क्या होता है, जब कोई और ट्रांसलेशन करता है तो बहुत सारी बातें खो जाती हैं, तो स्वामी जी ने जो ट्रांसलेशन किया उनके शब्दों में उन्होंने मुझे समझाया, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि बसवा जी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व को दिया, और ये सच्चाई है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। और अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, अधिकार आए, तो उसमें जो नींव रखी गई थी बसवा जी जैसे लोगों ने रखी थी। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है, और जैसे समाज में अंधेरा होता है, उस समय समाज में अंधेरा था, तो उस समय बसवा जी रोशनी जैसे अंधेरे में से निकले थे। और व्यक्ति ऐसे ही रोशनी नहीं देता है, उसको सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछने पड़ते हैं। दूसरों पर सवाल करना बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है, मगर अपने आप पर सवाल करना ज्यादा मुश्किल होता है। और स्वामी जी ने कहा कि बसवा जी ने 8 साल की उम्र पर जो थ्रेड सेरेमनी होती है उसको मना कर दिया। अब देखिए कितने लोगों ने यह सवाल नहीं पूछा, अपने आप से नहीं पूछा, बसवना जी ने सवाल पूछा। मैंने स्वामी जी से पूछा, जब हम बैठे थे, मैंने पूछा कि स्वामी जी 8 साल की उम्र पर बसवा जी को यह बात कैसे समझ आ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बसवा जी के दोस्त थे, दूसरी जात के दोस्त थे, और जब समाज उन पर आक्रमण कर रहा था तो बसवाना जी ने अपने आप से यह सवाल पूछा कि मेरे दोस्तों पर आक्रमण क्यों हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ गलत वर्ताव क्यों हो रहा है। और पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप से सवाल पूछे, जातिवाद के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, नफरत के बारे में, आदर के बारे में। और सवाल पूछने के बाद जो उनको दिल में जवाब मिले, जो सच्चाई उन्होंने देखी, उसको उन्होंने पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को सच्चाई मालूम होती है, सच्चाई सामने होती है, मगर समाज के सामने वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि डरते हैं। तो बसवना जी में ये फर्क था, उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई समझी, और फिर समाज के सामने सच्चाई रख दी। आज हमने इनकी मूर्ति के सामने फूल रखे, इसका कारण है। आप ये मत सोचिए कि समाज के सामने सच्चाई बोलना आसान है,
आज हम इनके सामने फूल रख रहे हैं, मगर जब ये जिंदा थे इन पर आक्रमण हुआ होगा, इनको धमकाया होगा, इनको डराने की कोशिश की गई होगी, मगर ये पीछे नहीं हटे, सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा, इसीलिए हमने इनके सामने फूल रखे हैं। जो सवाल नहीं पूछता है अपने आप से, जो समाज की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, जो उनके बारे में सच्चाई नहीं बोलता है, जो डर जाता है, उसके सामने फूल कोई नहीं रखता है। डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, मगर 300-400 साल बाद फूल कभी नहीं रखेंगे। मुझे आज यहां आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज स्वामी जी की स्पीच सुनकर लगा कि जो बसवना जी कर रहे थे, जिन चीजों के लिए वो लड़े, जिन चीजों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, उस सोच के लिए स्वामी जी लड़ रहे हैं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सिर्फ आज नहीं, पहले भी मैं आया था, बसवा जी के बारे में मैंने पढ़ा है, उनके विचारों के बारे में मैंने सोचा है, और बसवना जी हम सबको रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा, डरो मत, सच्चाई के रास्ते पे चलो, सबका आदर करो। बहुत सारे लोग ये चीजें कहते हैं, मगर चुने हुए लोग इन चीजों को कर दिखाते हैं, उनमें से एक बसवना जी है, और इसीलिए उन्होंने अंधेरे में इस देश को, हम सबको रोशनी दिखाई। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।